पावर ऑफ मेडिटेशन। दोस्तों, क्या आपके मन में भी लगातार ख्यालों का भूचाल आता रहता है? और क्या आप भी अपने मन में कंसंट्रेशन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं और कर नहीं पाते? अगर हाँ, और आप इस परेशानी का हल ढूंढना चाहते हैं, तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं और मन की शांति और कंसंट्रेशन के बहुत करीब हैं। लेकिन बहुत करीब होने से बात नहीं बनेगी। आपको उस बिंदु पर जाना होगा जहां आप पूर्ण रूप से कंसंट्रेशन और मानसिक शांति पा सकते हैं। उस बिंदु तक पहुंचने का इकलौता तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन के बारे में अगर आप ठीक तरह से जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने मन के सारे पूर्वाग्रह खत्म करने होंगे। यानी कि आपके मन में मेडिटेशन को लेकर जितने भी थॉट्स हैं, उन्हें हटा दीजिए। तभी आप मेडिटेशन को समझ पाएंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे मन में बहुत सारे पूर्वाग्रह बने होते हैं, जो कि हमने अलग अलग सोर्सेस से टुकड़ों में इकट्ठा किए होते हैं और वो हमारे सबकॉन्शियस डोमेन में फीड होते चले जाते हैं। आपको पता है, आपके दिमाग में होने वाली हर उथल पुथल का जिम्मेदार आपका यही सबकॉन्शियस डोमेन है। कहा जाता है, एक फिश हर 9 सेकंड में मूव कर जाती है, यानी कि हर 9 सेकंड में वो अपने स्थान से हट जाती है। और जो हमारा मन होता है, वो अगर नियंत्रण में ना हो तो हर सेकंड में अपना रास्ता बदल देता है। यानी कि हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में ना हो तो हम एक मिनट में लगभग 8 नई चीजों के बारे में सोच सकते हैं, जो कि कंसंट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये 8 नई चीजें या कभी कभार आइडियाज आते कहाँ से हैं? ये आते हैं सबकॉन्शियस डोमेन से। हमारा सबकॉन्शियस डोमेन या माइंड हमारे लिए एक स्टोरेज की तरह काम करता है। ये हमारे उन थॉट्स और आइडियाज को स्टोर करता है जिन्हें हम स्टोर करना चाहते हैं और नहीं भी। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे बचपन से लेकर आज तक की हर एक छोटी से छोटी डिटेल मौजूद होती है। ऐसा कहा जाता है कि हर 7 साल में एक इंसान बदल जाता है, यानी कि हर 7 साल में आपका व्यवहार, आपके सोचने का नजरिया और कई बार आपकी आइडियोलॉजी तक चेंज हो जाती है। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि बदलने के बाद वो पूरा इंसान, उसकी आइडियोलॉजी या उसके विचार कहाँ सेव होते हैं? वो सेव होते हैं हमारे सबकॉन्शियस में, और उसी कारण हमारे दिमाग में लगातार नए नए थॉट्स आते रहते हैं। हमारा दिमाग सबकॉन्शियस के उसी स्टोरेज में भटकता रहता है, क्योंकि आप कभी भी उन चीजों को याद नहीं कर सकते जो कि आपने कभी देखी ना हो, कभी सुनी ना हो। हमारे नए नए आइडियाज भी हमारे सबकॉन्शियस से ही आते हैं। कई बार हम 100 अलग अलग मेमोरीज के छोटे छोटे टुकड़े से एक नया कुछ बनाकर सोचने लग जाते हैं। ये सब होता है सबकॉन्शियस माइंड में, हमारी अनकंट्रोलेबल मूवमेंट के कारण। लेकिन इसे कंट्रोल किया जा सकता है मेडिटेशन के जरिए। अगर आप लगातार मेडिटेट करते हैं, तो आप सिर्फ अपने मन के थॉट्स को ही नहीं रोक सकते, बल्कि अपने सबकॉन्शियस के डीपेस्ट पार्ट तक जाकर अपने अंदर छुपी हुई नई पर्सनालिटी, नए आइडियाज और नए पोटेंशियल भी देख सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आप मेडिटेशन करेंगे किस तरह? मेडिटेशन करने का आसान तरीका है खुद का ध्यान किसी एक चीज पर केंद्रित करना। इसमें सबसे आसान है अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना, उनके आने और जाने की एक्टिविटी को नोटिस करना, अपना पूरा ध्यान उनकी गतिविधि पर लगाना। शुरुआत में आपको कोशिश करनी है कि आप इसे 8 सेकंड तक कर पाएं, और उसके बाद समय को बढ़ाते जाइए। सबसे पहले आपको अपने माइंड की मूवमेंट के बेसिक टाइम को तोड़ना है, यानी कि 8 सेकंड को। उसके बाद धीरे धीरे आपको उस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। धीरे धीरे जब आप उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाएंगे, तब आप देखेंगे कि आप अपनी सांस के आसपास सेंस फील कर रहे हैं। धीरे धीरे
यही आपके पूरे शरीर में होने लगेगा। आपकी महसूस करने की क्षमता बढ़ने लगेगी। आसान भाषा में कहा जाए तो आप कुछ भी काम करते हुए अपनी सांसों को अंदर आते और बाहर जाते हुए महसूस कर सकेंगे। और जब ऐसा होने लगेगा तब आप अपने मन के थॉट्स को कंट्रोल कर पाएंगे, यानी कि आप क्या सोचना चाहते हैं, और ये आपके हाथ में होगा। उसके बाद और समय तक लगातार इस प्रक्रिया को करने के बाद आप अपनी उन मेमोरीज को देख पाएंगे जो आपने भुला दी हैं। आपके सबकॉन्शियस के डीपेस्ट पार्ट तक में जो भी कुछ छुपा है वो आपके सामने होगा, और उसके बाद आपके पास नए आइडियाज होंगे, मेंटल पीस होगी, और आपने सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड पर पूरा कंट्रोल होगा। एक फिलोसोफर ने कहा है कि जब आप मेंटल पीस चाहते हैं तो आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो कि आप पाना चाहते हैं, क्योंकि एक शांत दिमाग के पास हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका होता है, और शांत दिमाग तक पहुंचने का रास्ता मेडिटेशन से होकर जाता है। अब सवाल ये भी उठता है कि मेडिटेशन को हमें अपना कितना ज्यादा वक्त देना चाहिए, क्योंकि आप पूरा दिन तो मेडिटेशन से मोटिवेट नहीं कर सकते, या पूरा दिन मेडिटेशन ही नहीं कर सकते। आपको एक रेशियो में मेडिटेट करना है। वो रेशियो आपके वर्किंग आवर पर डिपेंड करता है, यानी कि अगर आप 8 घंटे काम करते हैं या आपका माइंड 8 घंटे तक एक्सट्रीम प्रेशर झेलता है तो आपको कम से कम आधे घंटे तक मेडिटेशन करनी चाहिए। अगर आपको 12 से 14 घंटे तक काम करना है, आप हेक्टिक शेड्यूल फेस कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक मेडिटेट करना चाहिए। मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसे आप कॉन्स्टेंटली करेंगे तभी रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना।